में जानकारी दूंगा। कंपनी 16 मार्च 2015 से इनकॉर्पोरेट में है। कंपनी का ये रजिस्ट्रेशन लीगल दस्तावेज है। कंपनी एडवर्टाइजमेंट के जरिए अपना अर्निंग करती है, रेवेन्यू जनरेट करती है और वो हमें आपस में बांटती है। कंपनी का डायरेक्टर है एयोडे अम्बी बोल। कंपनी 25 मई 2018 से जीडीपीआर रेगुलेशन के तहत काम करती है और डेटा प्रोटेक्शन के लिए बाध्य है। कंपनी हमारा कॉन्टेक्ट, पर्सनल डिटेल्स, लॉगिन डिटेल्स और क्लाउड स्पेस में रखा गया अपना कोई भी डॉक्यूमेंट किसी को शेयर नहीं करती। कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है क्लाइंट से और कॉरपोरेट से, नॉट फ्रॉम एन इंडिविजुअल। कंपनी के रेवेन्यू जनरेट करने के तरीके, कंपनी सिस्कॉम से अर्निंग करती है, कंपनी वन ऐप से अर्निंग करती है जो अभी इंडिया में शुरू होने वाला है, अभी शुरू नहीं हुआ मगर ये वन ऐप जो है वो ई कॉमर्स बेस है। इसमें इंडिया बेस्ड जितने भी ई कॉमर्स कंपनियां हैं जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है और ऐसे जितने भी कंपनी हैं वो सब इसके साथ टाइप होगी और जो भी इस पब्लिक इसमें जुड़ेंगे और इस माध्यम से ऑनलाइन परचेज करेंगे उस टाइम पे कंपनी को रेवेन्यू जनरेट होगी और ये जनरेशन जो है इनका प्लान के हिसाब से हम लोगों को बीच में बांटा जाएगा। कंपनी का कुल कमाई का 80% कमाई जो है वो इनके जो काम कर रहे हैं उन लोगों के बीच में बांटा जाएगा। 3-3 ये एक और ऐप है जिसमें सट्टा गेम जैसी जुआ भी बोल सकते हैं, ऐसी कई चीज़ें आएगी और इसमें इंटरेस्टेड पब्लिक जो है उसको खेलेंगी। इसमें कंपनी कुछ रेवेन्यू जनरेट करेगी मगर इसके लिए ये ज़रूरी नहीं होगा कि आपको भी जुआ खेलना है, मगर यहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो आपकी टीम के हिसाब से आपको बांटा जाएगा। इसके अलावा और 19 ऐप इनकी आ रही है धीरे धीरे करके और ये सबसे इनका रेवेन्यू जनरेट होगा और कंपनी सबको रेवेन्यू 80% बांटेगी। कंपनी में इंटरेस्ट के लिए 18 साल से ऊपर की कोई भी व्यक्ति होनी चाहिए। इंटरेस्ट बिल्कुल फ्री है और इसके अलावा जो भी आपको पूरा ऑनबोर्डिंग वगैरह वगैरह आपके सीनियर लीडर से आप जानकारी ले सकते हैं या फिर मुझे आप फोन कर सकते हैं। कंपनी में 3 तरह के प्लान हैं। एक है बेसिक जो फ्री ज्वाइनिंग है और ये मान लो अपग्रेड नहीं भी करेंगे तब भी ये कमाएंगे। एग्जीक्यूटिव जिसमें £40 का ज्वाइनिंग है, ये करीब करीब 3500-3700 रुपये का ज्वाइनिंग पड़ता है। और तीसरा है इम्पेरियल जो कि £400 का ज्वाइनिंग पड़ता है। कंपनी में ज्वाइन होने के बाद आपके पास जो भी टीम बनती है वो दो ग्रुप में बढ़ जाती है, ए और बी। आपके साथ जुड़े हुए हर एक व्यक्ति या तो ए में जाएगा या तो बी में जाएगा और सबसे बॉटम में लगेगा, यानी कि आपके साथ जो पहले जुड़े हुए उनको सबको इससे बेनिफिट होगा और उनका ई कॉमर्स वगैरह वगैरह से भी उनको बेनिफिट मिलेगा। कंपनी का 6 प्रकार की अर्निंग रिवार्ड है। पहला इंडिविजुअल रिवार्ड, यदि आप बेसिक है यानी कि आपने फ्री ज्वाइनिंग रखा है और आपके साथ प्रति ज्वाइनिंग यदि कोई एग्जीक्यूटिव आपके साथ ज्वाइन होता है तो आपको £1 यानी कि करीब 90 रुपया, और यदि कोई इम्पेरियल ज्वाइन होता है तो आपको £3 यानी कि 270 रुपया मिलेगा। इसी तरह यदि आपकी आईडी एग्जीक्यूटिव है यानी कि £40 वाली और 3500-3700 भर के यदि आपने किया है तो वहाँ आपको £2 मिलेगा, और यदि इम्पेरियल ज्वाइनिंग आएगा तो उनका आपको £20 मिलेगा। इसी तरह इम्पेरियल आईडी के लिए भी सेम ही है जैसे कि एग्जीक्यूटिव में है। एग्जीक्यूटिव ज्वाइन होने पे £2 मिलेगा और इम्पेरियल ज्वाइन होने पे £20 मिलेगा।
फोरम रिवार्ड, फोरम रिवार्ड सी स्टेज में बांटा गया है। आपके जो स्पॉन्सर आप करते हैं उसके ऊपर ये स्टेज डिवाइड किए गए हैं। यदि आपने एक डायरेक्ट स्पॉन्सर किया है तो आप स्टेज वन में हैं, आपने दो से ज़्यादा और नौ से कम यदि स्पॉन्सर किए हैं तो आपका स्टेज टू है, यदि आपने दस से ज़्यादा मगर चौबीस से कम स्पॉन्सर किए हैं तो आपका स्टेज थ्री, और यदि आपने 25 और 49 के बीच में आपका स्पॉन्सर है तो आप स्टेज फोर में हैं, और यदि आपने 50 और 99 के बीच में हैं तो आपका स्टेज फाइव है। जब आप 100 या उससे ज़्यादा डायरेक्ट स्पॉन्सर करोगे तो आपको गोल्ड मेडल अवार्ड किया जाएगा और आपको पर्ल की पोजीशन पे दिया जाएगा। फोरम रिवार्ड में बेसिक वाले को स्टेज से कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, कितने भी वो स्पॉन्सर करे तब भी उनको प्रति ज्वाइनिंग एग्जीक्यूटिव का एक पाउंड मिलेगा और इम्पीरियल ज्वाइनिंग पे उनको 3 पाउंड मिलेगा। एग्जीक्यूटिव में जैसे जैसे स्टेज में आपका बढ़ेगा आपका स्टेज, वैसे वैसे अर्निंग भी बढ़ती है। जैसे कि पहले स्टेज में आपका 1 पाउंड है और इम्पीरियल में 5 पाउंड है, दूसरे स्टेज में आपके पास 4 पाउंड मिलेगा आपको और 22 पाउंड मिलेगा इम्पीरियल ज्वाइनिंग पे। इसी तरह छठे स्टेज में आपको 9 पाउंड मिलेगा एक एग्जीक्यूटिव ज्वाइन होने पे और 30 पाउंड मिलेगा आपको एक इम्पीरियल ज्वाइन होने पे। इम्पीरियल ज्वाइनिंग के ऊपर भी सेम जैसे एग्जीक्यूटिव का ज्वाइनिंग का अर्निंग है वही अर्निंग इम्पीरियल को दिया जाता है, मगर उनका इम्पीरियल का क्या फायदा है और पब्लिक क्यों 400 पाउंड से ज्वाइनिंग करती है वो हम आगे देखेंगे। क्लब रिवार्ड, कंपनी के जितने भी इम्पीरियल रिवार्ड जो है इम्पीरियल ज्वाइनिंग है वो एक क्लब में फॉर्म हो जाते हैं जिसमें 7 आदमी होते हैं। एक जो टॉप लीडर है वो प्रेसिडेंट रहता है, उनके नीचे 2 वाइस प्रेसिडेंट और 4 क्लब मेंबर होते हैं और उनके नीचे 8 जगह खाली होती है। इनको हम यहाँ इंडियन फॉर्मूला में देखते हैं, जैसे बाइनरी सिस्टम में 2 और 2 के नीचे 4 और 4 के नीचे 8 होते हैं उसी तरह। अब ये जो 8 सीट खाली है वो खाली सीट जब भरेगी तब एक क्लब ब्रेक हो जाती है, क्योंकि अभी टीम जो है वो 15 की टीम हो गई है। ऊपर जो प्रेसिडेंट है वो ऊपर से हट जाएगा और नीचे जो 2 वाइस प्रेसिडेंट थे वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे, जो क्लब मेंबर थे वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे और उनके लिए भी नई 8 सीटें आएगी। जो प्रेसिडेंट था उनका रीबर्थ हो जाएगा और उनको नई क्लब में नीचे से बॉटम से शुरू करना पड़ेगा। कंपनी की 15 में से 14 आदमी जो रहे उनका फिर से नई 2 क्लब में कन्वर्ट हो गया और दोनों क्लब अलग अलग, दोनों को अलग प्रेसिडेंट मिल गया। जो 2 वाइस प्रेसिडेंट थे वो 2 प्रेसिडेंट बन गए और जो क्लब मेंबर थे वो वाइस प्रेसिडेंट बन गए। ऐसा भी होता है कि मान लो कि ये 8 ज्वाइनिंग है उसमें से एक क्लब मेंबर जो है वो किसी को भी ज्वाइन नहीं कराता, तो उनका उनके केस में ऐसा हो सकता है कि वो क्लब मेंबर का क्लब मेंबर ही रहेगा। मगर यदि सबसे ज़्यादा कोई आदमी ने स्पॉन्सर किया है कि जो 8 नई सीटें हैं उस भरने में कहीं 3 या 4 आदमी को ज्वाइन करा दिया तो आदमी का क्लब मेंबर से सीधा डायरेक्ट प्रेसिडेंट पे भी ज्वाइनिंग हो सकता है और प्रेसिडेंट के स्थान पे वो बैठ सकता है। क्लब ब्रेक होने के टाइम पे क्लब मेंबर को 80 पाउंड मिलेगा, 4 क्लब मेंबर होते वो चारों को 80 पाउंड मिलेगा। वाइस प्रेसिडेंट को 160 पाउंड मिलेगा, वो 2 होते हैं, और प्रेसिडेंट को 560 पाउंड मिलते हैं। प्रेसिडेंट हट जाने के बाद उनका रीबर्थ होता है और वो दूसरी क्लब में फिर से नीचे से अपना शुरुआत करते एज ए क्लब मेंबर।
आपकी टीम में यदि कोई भी आपका इंपीरियल मेंबर है तो वो आपके साथ ही रहेगा, आपकी टीम में रहेगा। क्लब रेड होने के टाइम पे हो सकता है वो अलग हो जाए, मगर आगे जाके भी फिर वो आपके साथ आ सकता है। क्लब टूटने के बाद रिफॉर्म होती है और हर वक्त यही सिलसिला चलता रहेगा कि प्रेसिडेंट का अवार्ड होने के बाद जब उनका रिबर्थ होता है तो एज ए क्लब मेंबर आ जाता है और फिर से वापस वो वाइस प्रेसिडेंट बनता है और फिर प्रेसिडेंट बनता है। यही सिलसिला चलता रहता है और आगे आगे जैसे टीम नहीं बढ़ती है तो इसमें स्पीड बढ़ती जाती है। और पहले जो था वो 3-4 महीने में क्लब ब्रेक होती थी, अभी मुश्किल से 15-20 दिन में एक क्लब ब्रेक होती है और उसकी जो भी अर्निंग 80 पाउंड, 160 पाउंड और 560 पाउंड यानी कि 800 पाउंड करीब करीब एक या डेढ़ महीने में यहाँ से मिल रहा है। कंपनी यूपोरिया के लिए भी अलग अलग जगह पे आपको देती है, एक साल में 2 बार ये होता है, वो कोई भी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे आपको भेजते हैं, जैसे कि बैंकॉक है, दुबई है, सिंगापुर है, 4 नाइट और 5 दिन का स्टे आपको वो इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे कराएंगे। गोल्ड रिवार्ड्स, कंपनी 8 पोजीशन है, जेस्पर, एम्बर, पर्ल, टोपाज, रूबी, सैफायर, एमरल्ड एंड डायमंड। हर एक रैंक के हिसाब से उनका अलग अलग पोजीशन गोल्ड रिवार्ड होते हैं। और जैसे कि एग्जीक्यूटिव है उनके लिए बोला जाता है गोल्ड रेस और इंपीरियल आईडी के लिए गोल्ड रश बोला जाता है। अब जेस्पर रिगल और जेस्पर रॉयल, एग्जीक्यूटिव में रिगल होता है 150 ज्वाइनिंग 180 दिन में यदि हो जाती है तो आपको यूपोरिया के लिए इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे बुलाया जाएगा। इसी तरह एग्जीक्यूटिव का 15 ज्वाइनिंग होता है 90 दिन के अंदर तो उनको भी बुलाया जाएगा। एम्बर रिगल, एग्जीक्यूटिव ज्वाइनिंग 500 होने पे 365 दिन के अंदर 800 पाउंड का गिफ्ट अवार्ड मिलेगा और यूपीआर के लिए उनको भी बुलाया जाएगा। इसी तरह इंपीरियल आईडी के लिए 180 दिन में 50 ज्वाइनिंग यदि होती है तो उनको भी यूपीआर के लिए बुलाया जाएगा और 800 पाउंड का गिफ्ट दिया जाएगा। पर रिगल के लिए 540 दिन का समय होता है, उनकी टीम टोटल टीम जो है वो 3000 की होनी चाहिए और यहाँ उनको यूपेरिया में 6000 पाउंड का करीब करीब इंडियन करेंसी में हम देखें तो 5,40,000 रुपया का होता है वो उनको वो यूपेरिया के दौरान दिया जाएगा। इसी तरह पर्ल रॉयल के लिए भी सेम है, उनको 365 दिन में ये टारगेट अचीव करना होता है 300 ज्वाइनिंग इंपीरियर की और उनको भी 6,000 पाउंड का गोल्ड अवार्ड किया जाएगा। गोल्ड टोपाज रिगल, 10,000 ज्वाइनिंग होने पे आपका 12,000 पाउंड का गोल्ड आपको अवार्ड होगा, उसके लिए एग्जीक्यूटिव के लिए समय होगा 730 दिन यानी कि 2 साल पूरे और टोपाज रॉयल के लिए 1,000 ज्वाइनिंग 730 यानी कि इनको भी 2 साल पूरा मिलेगा और यूपोरिया में उनको बुलाया जाएगा और गोल्ड रिवार्ड दिया जाएगा 12,000 पाउंड का। रॉयल रूबी, अब ये एक पोजीशन ऐसी है कि रूबी पोजीशन पे आने के बाद समय मर्यादा हट जाती है और जैसे भी आप रूबी बनोगे तो जब भी यूपोरिया होगा, नेक्स्ट यूपोरिया क्योंकि साल में 2 बार होता है
तो जब भी होगा उस टाइम पे आपको बुलाया जाएगा फैमिली के साथ, और 18,000 पाउंड का एक पाउंड बराबर 90 रुपया करीब होता है, अप डाउन होता रहता है, वो आपको दिया जाएगा। इसी तरह रूबी रॉयल के लिए 2,000 ज्वाइनिंग एग्जीक्यूटिव इम्पीरियल की होती है तो उनको भी सेम अवार्ड दिया जाता है। साइफर रिगल के लिए यानी कि एग्जीक्यूटिव ज्वाइनिंग में 40,000 ज्वाइनिंग जब एग्जीक्यूटिव की आती है आपके पास तो आपको 37,000 का गोल्ड रिवार्ड दिया जाएगा, और इम्पीरियल ज्वाइनिंग में 4,000 ज्वाइनिंग पे 37,000 का गोल्ड रिवार्ड दिया जाएगा यूपेरिया में। इम्पीरियल रिगल 80,000 ज्वाइनिंग पे होता है और ये आपको 78,000 का यूपेरिया के दौरान गोल्ड रिवार्ड दिया जाएगा। एमरल रॉयल 8,000 की टीम एम्पायर की बनने के बाद आपको 78,000 का गोल्ड रिवार्ड यूपीरिया के दौरान दिया जाएगा। डायमंड रिगल 2,40,000 की टोटल टीम होने पे 4,51,000 का गोल्ड आपको दिया जाएगा, और उसके लिए कोई समय मर्यादा नहीं, एक जब भी आप अचीव करोगे उस टाइम पे आपको ये मिलेगा और बड़ा यूपीरिया होगा। डायमंड रॉयल के लिए यानी कि इम्पीरियल ज्वाइनिंग वालों के लिए एक केवल 24,000 ज्वाइनिंग से ये बात बन जाती है, और उनको भी सेम अवार्ड मिलेगा यूपीरिया के दौरान 4,51,000 पाउंड का सोना। वन एप रिवार्ड्स, वन एप अभी इंडिया में चालू नहीं हुआ है मगर ये बहुत जल्द शुरुआत होने वाला है, और कंपनी का जो टाइप है वो ई कॉमर्स बेस्ड जितनी भी कंपनियां उनके साथ रहेगा, और उनसे जो भी ऑनलाइन परचेज इस सिस्टम से ही होगा और पूरा अर्निंग होगा। वन एप का अर्निंग का जो 80% रॉयल्टी होगी उसमें से जो रॉयल्टी होगी उसका 80% जो है हम लोगों के बीच में बांटा जाएगा, मगर जो बांटने का तरीका है वो सेम हम बाइनरी प्लान की तरह समझे तो ए और बी टीम जो अपनी बनती है उसमें से जो लोअर टीम होगी उसके हिसाब से आपको दिया जाएगा। मान लो कि मैंने 50 पेयर का पहले पेमेंट ले लिया, अब मेरा एक टीम में 250 है और एक टीम में 350 है, तो ज़्यादा जो मैंने 50 पाउंड पेयर तो पहले ले ही लिया है, अभी मेरा 250 वाली लोअर टीम बनती है तो लोअर टीम का टीम से माइनस पहले मैंने जो लिया है वो यानी कि मुझे 200 पेयर का ये अवार्ड मिलेगा। द प्राइड रिवार्ड रूबी और उससे ऊपर की जो भी रैंक है उसमें आपको एक कार गिफ्ट की जाएगी जो इस हिसाब से है। रूबी होने पे आपको स्कोडा कार डा प्राइड रूबी को दिया जाएगा। सफायर होने के बाद आपको मर्सिडीज बेंज दी जाएगी। एमरल होने के बाद आपको बीएमडब्ल्यू कार दी जाएगी। रोल्स रॉयल आपको मिलेगी डायमंड जैसे ही होते हैं, आपको डायमंड की सीट मिल जाती है। इस सिस्टम से आपको जो भी व्यक्ति प्रमोट कर रहा है वो उन लोगों ने आपको सिर्फ तुम विरासत वीडियो दिए होंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो हम ये वीडियो से देख रहे उनका एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी है वो भी आपको मिल गया होगा, और जो अचीवमेंट जैसे कि गोल्ड प्राइड गोल्ड अवार्ड का जो एक अचीवमेंट हुआ है उनका एक सेमिनार हुआ है वो भी आपको सबको दिया होगा। नहीं मिला है आप अपने अंत से कोटिंग करके ये ले सकते हैं। कंपनी अलग अलग जगह पे अलग अलग डेस्टिनेशन पे छोटा छोटा प्लान करती है, और कंपनी को मोटिवेट करने के लिए और रिवार्ड और अवार्ड करने के लिए भी ये इनका होता रहता है। अभी जो अगला उटोपिया
गोवा में होने वाला है सितंबर 2018 में। अर्निंग पर डे अप टू, यानी कि जेस्पर और एम्बर जिनकी टीम 500 से नीचे है, इन लोगों को एक कैपिंग दिया गया है कि रोजाना इनको 1000 पाउंड से ज्यादा ना मिले। इसी तरह पर्ल और टोपाज के लिए भी पर डे का कैपिंग है 1200 पाउंड पर डे। रूबी से आगे थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि रूबी को 1500 पॉइंट रूबी का मिलेगा और 3000 पाउंड जो है वो डाप राइट रूबी का मिलेगा। इसी तरह सफायर को 2000 पॉइंट सफायर पोजीशन का मिलेगा और 4000 पॉइंट डाप राइट सफायर का मिलेगा। एमरल्ड के लिए 2500 पॉइंट यानी कि 2500 पाउंड और डाप राइट एमरल्ड के लिए 5000 पॉइंट, डायमंड के लिए 5000 और डाप राइट डायमंड के लिए 10000 पाउंड। वन एप में भी सेम अर्निंग है जो हमने आगे देखा, उनका भी पर डे कैपिंग सिमिलर ही है जो हमने आगे देखा। विट्रावल, विट्रावल का इनका टाइप है ऑल ओवर वर्ल्ड में और जो भी इंटरनेशनल ट्रांसफर अपना इंडियन करेंसी, अभी मान लो कि ये यूके की कंपनी है मगर हमें यहाँ इंडियन करेंसी में ट्रांसफर देगी, इसका एक प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारा अहमदाबाद का एक लीडर को पेमेंट मिला है और उनका पेमेंट जो है 276 पाउंड का है, जब उसमें चार्ज 2.01 फी लगी है कन्वर्शन चार्ज और उनके 273.99 पाउंड को इंडियन कन्वर्ट करेंसी में कन्वर्ट किया गया। कन्वर्शन रेट उस टाइम पे था 1 GBP इक्वल टू 91.68687 इंडियन रुपी और इनके अकाउंट में 25000 जमा हुआ। गोल्ड रिवार्ड का एक कुछ सीन है जो आपको दिखाया जा रहा है और आपके अपलाइन आपको ये वीडियो भेजा होगा। 6000 पाउंड का सोना सबको बांटा गया है, उसका वीडियो आप अपने अपलाइन से ले लीजिए। ये वीडियो में अवेलेबल है इसलिए मैं ये प्रेजेंटेशन में ज़्यादा इनको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, इसके लिए आपको वीडियो देखना जरूरी है। बेस्ट विशेस टू ऑल नेटिजन्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को सुनने के लिए।